खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन सारी एमआरपीएन फैमिली का। कैसे हो आप सब? सैटरडे मना रहे हो है ना? सैटरडे को लोकगीत हमारा आज ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी लोकगीत जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोकगीत हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं, तो खुश हो जाओ आप सब। इसी खुशी में जो भी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पता है सबको घंटी बजानी है, घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। और जो पुराने वाले एमआरपीएन से उनको तो पता है एज यूजुअल जो मैं रोज बोलती हूँ, आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर का दो मस्त वाला, ठीक है? सैटरडे है क्योंकि आज, और कल जो है चलो कल वाला अपडेट लास्ट में देंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम कौन से वाले लोकगीत कर रहे थे जो किसी त्योहार उत्सव पे गाए जाते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं रति जगह से। रति जगह कब गाया जाता है? देखो आज मैंने सारे इंक नोटेशंस रखी हैं और कल भी रखूंगी, और ये सारे आपको उस पर मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, आरएस क्रैकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है? और आप सभी जो है हमारी प्लस क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस जो हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है उनको देख सकते हो। तो कोड क्या लगाओगे? अब तो आवाज आनी चाहिए, टाइप करो, कोड है हमारा MRP10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको कोई भी फ्री क्लास देखनी हो तो इसमें एंट्री मिल जाएगी। रात को 9 बजे जो आज टेस्ट है उसके लिए भी यही कोड लगाना। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल देती हूँ, लिंक फॉर 2 डेज फ्री टेस्ट, ठीक है? MRP10 कोड लगा के एंट्री मार लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अब मैं डिस्क्रिप्शन में देने लग गई हूं, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे आपके एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और आगे से जो मेरे प्लस कोर्सेज के लिंक है उनका भी लिंक में डाल दूंगी ताकि आप उसकी भी सारी डिटेल्स चेक कर पाओ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं रति जगह। ये हमने याद तो ऐसे किया था कि यावी जो है वो सारी रात सोने नहीं देता अपने पेरेंट्स को, तो रति जगह जो गाना है, जो लोकगीत है, जगराते की तरह ये सारी रात गाया जाता है, ठीक है? लेकिन किस लिए गाया जाता है? अब पता है हमें ये किसी शुभ अवसर पे, अब सोच लो यवी का जन्म हुआ है, जब भी यवी का जन्म होगा, यावी का जन्म होगा तो उसके घर वाले बहुत खुश होंगे, तो जो भी कुल देवता देवी जिसकी भी मान्यता है उनके घर में, उनके उसमें उनकी पूजा के लिए तो क्या रखते हैं सब लोग, रात को जगराता करते हैं, ठीक है? तो रति जगह का मतलब समझ में आ गया, ये जो है पूरी रात गाया जाता है, ठीक है? पूरी रात, पूरी रात किसी पार्टिकुलर, किसी कि हर परिवार के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं, कोई रामदेव जी के लिए, कोई तेजा जी के लिए, ठीक है? किसी के लिए भी, किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए, ठीक है? पूजा के लिए लोकगीत गाया जाता है, ठीक है? कब? शादी पे, बच्चे के लड़के के जन्म होने पर, आज तो लड़के लड़के सब बराबर है, या फिर किसी भी दूसरे फंक्शन के ऊपर जो है ये लोकगीत गाया जाता है। रति जगह तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद है पावना, ठीक है? उसके बाद है पावना, ठीक है? पावना की स्टोरी याद कर लो, वो जो लवी था, ठीक है, शादी हो गई थी टिया के साथ, ठीक है? अब वो अपने ससुराल आया है, पहली पहली बार आया है, वापस भरतपुर आया है, भरतपुर से निधि नाम है हमारी लर्नर है, वो कह रही मैडम मुझे लग रहा है मैं ही टिया हूँ यहाँ पे, तो इतना अच्छा कमेंट लगा है मुझे, इतना पसंद आया, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो क्योंकि वो भरतपुर से है इसलिए, ठीक है? तो टिया के घर आया है, तो दामाद जी पहली बार घर आए हैं, कोई आरती पूजा, दामाद जो है ना अपने आप को भगवान ही समझ लेते हैं, शादी क्या होगी लड़की से, ऐसे समझते बस हमारी आरती उतारी जाए, तो रीति रिवाज है वो तो पूरा करते ही है। तो पावना में ये क्या होता है, इन लोग ससुराल के घर जब दामाद पहली बार गए हैं तब ये गाना गाया जाता है, डिनर के टाइम, ठीक है? मतलब खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी टाइम पे गाया जा सकता है। तो ये गाना पावना कब गाया जाता है, जब दामाद जो है, ठीक है, दामाद जो है नए नए ससुराल जाते हैं तब, ठीक है? जब नए नए कहाँ पे जाते हैं, ससुराल जाते हैं, और खाने के वक्त, ठीक है, डाइनिंग टाइम पे, यानी कि खाने से पहले भी और खाने के बाद भी कभी भी गा सकते हैं, ऐसा कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि कब गाना है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं पावना। पावना हो गया, आगे देखते हैं। अब जो है टिया और लवी की लव स्टोरी है, तो वो तारीफ करेगा, टिया बोलेगी ना, उसे पूछेगी आपको मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है, तो वो कहेगा, वो जो है उसके श्रृंगार की तारीफें करने लग जाता है, ठीक है? कितनी भी लव स्टोरी सुन लो, कहीं ना कहीं आपको जो है श्रृंगार की चीजों के ऊपर गाने, लोकगीत, सब कचरा कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे लवी जो है वो टिया के कौन कौन से श्रृंगार की, किस किस की तारीफ करता है, तो एक तो उसके काजल की तारीफ करता है, तो लोकगीत बन गया काजलियो,
क्या बन गया, काजलियो। एक जो उसकी कंघी है ना उसकी भी तारीफ करता है, कांगसियो। कंघी को क्या बोलते हैं, कांगसियो बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कांगसियो किसको बोल रहे हैं, तो कांगसियो। और एक जो है वो उसको सवारी करा रहा है ऊंट के ऊपर जब जैसलमेर ले गया था उसको, तो गोरबंद। ठीक है, जो घोड़े का आभूषण होता है उसका, सॉरी घोड़े का बोल रही हूँ, ऊंट का, उसको बोलते हैं गोरबंद। ठीक है, तो ये वो लोकगीत हैं जो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, श्रृंगार आभूषण के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, श्रृंगार और आभूषण पर आधारित लोकगीत, आभूषण पर आधारित लोकगीत, समझ आ गए। ठीक है, तो ये तीन करने वाले हैं हम, काजलियो, कांगसियो और गोरबंद। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। काजलियो जो है वो एक श्रृंगार लोकगीत है, काजल के ऊपर बेस्ड है। कब इसको गाया जाता है, कौन से त्यौहार पे इसको गाया जाता है, तो रंग बिरंगी जब होली होती है ना तो उसके दौरान इस पर गाया जाता है। तो वो कहता है उसको, जो लवी है टिया को, भाई काजल वाजल लगा लो, नजर वजर नहीं लग जाए, काला टीका लगा लो, होली खेलने जा रही हो तो। ठीक है, उसकी पहली होली होती है, क्या करें। तो ये कब गाया जाता है, काजलियो गाना होली पर गाया जाता है, होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। ठीक है, और इसकी खास बात यह है, वो गाना सुना होगा ऋषि कपूर वाले, ढपली वाले ढपली बजा, या फिर रंग बिरंगी होली वाले देखे होंगे, तो वो ढपली ऐसे बजाते हैं ना, ऐसा ऐसा एक वाद्य यंत्र है, तो उसके साथ काजलियो गाया जाता है, ये इसकी खास बात है। तो कौन से उसके साथ गाया जाता है, चंग या चांग, जो भी आपको बोलना हो आप इसको बोल सकते हो, चंग वाद्य यंत्र जो है इसके साथ बजाया जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, याद कर लोगे, होली मना रहे हैं, वाद्य यंत्र तो होना जरूरी है, काजल की तारीफ हो रही है। ठीक है, काजल होली पर चंग वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। अच्छा, आप सभी मुझे बताओ और कौन सा ऐसा लोकगीत है जो दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। किया तो था हमने, जूबी डूबी, पंछी गुनगुना रहे हैं, पंछड़ा लोकगीत कौन कौन से वाद्य यंत्रों के साथ था, अलगोजा, मंजीरा और ढोलक के साथ। ठीक है, आई होप सबको याद आ रहा होगा, भूले तो नहीं हो, भूले नहीं होंगे, एमआरपीएन से मैं रटवा के छोड़ती हूँ आपको। उसके बाद है कांगसियो, कांगसियो को हम क्या बोलते हैं, कंघी। तो कंघी के ऊपर जो गाने बने हुए हैं ना, हम राजस्थानी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी पे भी गाना बना देंगे, हमें मौका चाहिए हंसने का, खुश होने का, तो कंघी के ऊपर लोकगीत बना हुआ है। ठीक है, तो मारे छैल भंवरो, ठीक है, वो क्या कह रही है, मारे छैल भंवरो कांगसियो पनिहारियन ले गई रे। ठीक है, तो वो बोल रही है कि अपने छैल भंवर को, जो कंघी है वो उसको पनिहारन वो ले गई है। ठीक है, ऐसे बोल रही है इसमें। उसके बाद है गोरबंद, गोरबंद जो है बताया मैंने ऊंट के गले का आभूषण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गोरबंद क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, उसके गले का आभूषण है, कुछ नहीं है और। ठीक है, तो अब रेगिस्तान की बात हो, हमारे ऊंट के ऊपर गाना नहीं बने, ऐसा हो सकता है, ऊंट के ऊपर तो बीकानेर की पूरी प्रसिद्ध कला फेमस है, मारो राजस्थान बीकानेर में करवाया था। कौन सी कला फेमस थी, उस्ता कला, अगर याद हो, ऊंट के पूरे शरीर के ऊपर मस्त कलाकारी कर देते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं हम, उस्ता कला याद तो होगी, उस्तादों द्वारा की जाती है, फेमस कला है। ठीक है, तो ये फेमस लोकगीत है कहाँ का, डेजर्ट का, मतलब रेगिस्तान मारवाड़ का। ठीक है, और साथ साथ ये कहाँ का है, शेखावाटी का भी है, साथ साथ कहाँ का है, शेखावाटी है। अब ऊंट हमारे पास है, उस्ता कला हमारे पास है, थोड़ी बहुत शेखी तो बधारेंगे हम भी, तो याद कर लो शेखावाटी में भी गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मारो गोरबंद नखरालो। ठीक है, हमारा जो गोरबंद है, घोड़े का आभूषण है, नखरे मार रहे हैं वो भी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसके बाद है, अब कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो विशेषतया महिलाओं के ऊपर बेस्ड है, तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करने, विशेषतया महिलाओं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब ये जो राजस्थानी महिलाओं के ऊपर, ठीक है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, पानी। पानी को भरने कौन जाती है, महिलाएं जाती हैं, दूर दूर मीलों चलना पड़ता है, तो उसी के ऊपर गाने बना दिए। अब वो जा रही हैं इतनी दूर, कुछ तो एंटरटेनमेंट करेंगे। अब वहाँ पे उस जमाने में मोबाइल तो कोने हुए करो थे कि उठाया मोबाइल और वो लीड सी लगाई और गाने सुन के अपनी मस्ती में चल जा रहे हैं, नहीं तो खुद ही गाने बनाए हुए हैं, खुद ही लोकगीत बनाए हुए हैं, खुद ही गाती थी भाई। ठीक है, तो असली एंटरटेनमेंट तो यही होता है, आजकल वाला कुछ नहीं है। पणिहारी लोकगीत क्या बन गया, पणिहारी, यानी पानी लेने जा रही है। ठीक है, उसके बाद वो सर पे मटकी रख के आती है, मटकी के नीचे वो गोल गोल बेस बनाते हैं ना ताकि मटका गिर विर नहीं जाए हमारा, तो उसको बोलते हैं इंडोनी, तो उसके ऊपर गाना बना दिया। इंडोनी भी खूबसूरत चाहिए, जब हम गोरबंद के ऊपर बना सकते हैं तो इंडोनी के ऊपर लोकगीत क्यों नहीं बनाएंगे, तो इंडोनी। ठीक है, अब वो जा रही है टिया बेचारी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, उसकी सगाई तो कर दी, मान लो ये पुराने टाइम की बात है, उसकी सगाई तो कर दी लवी से, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, तो वो बस जब भी पानी भरने जाती है गाना गाती है, मोरे पिया याद करे जा रही है, तो एक लोकगीत बन गया मोरियो। क्या बन गया, लोकगीत
मोरियो बन गया, ठीक है। और वहां पे जाके क्या देखती है, लवी क्या कर रहा होता है, जीरे की खेती कर रहा होता है। तो वो कहती है जीरे की खेती नहीं करनी, जो मैं कहूंगी वही बोना पड़ेगा। तो एक लोकगीत है जीरो, ठीक है, और अपने किसको समझा रही है, केसरिया बालम को। तो एक लोकगीत है केसरिया बालम, याद हो गए। महिलाओं के ऊपर बेस बने हुए कौन कौन से लोकगीत हैं, पनिहारी, इंडोनी, मोरिया, जीरो, मोरियो, जीरो और केसरिया बालम, ठीक है। मोरिया, मोरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो इनकी डिटेल देखते हैं। पनिहारिन, जो महिला पानी लेकर आ रही होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पनिहारी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या दिखाते हैं, हमारी राजस्थान महिला की दृढ़ निश्चयता को दिखाते हैं कि वो कितनी दृढ़ निश्चयी है, ठीक है। राजस्थान की जो महिला है इतनी गर्मी में तपती धूप में जा रही है, तो महिला की जो है दृढ़ निश्चितता को दिखाता है, ठीक है, पनिहारी में उसके बारे में बताया गया। और हमारी महिलाएं तो जानती हैं जल जौहर या कोई भी जौहर कराना हो तो अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा तैयार क्या कर ही देती हैं, ठीक है, सोचते भी नहीं है एक माइक्रो सेकंड के लिए भी। इंडोनी जो है क्या है, जो मटके के बेस पर, ठीक है, उसके नीचे लगाई जाती है, सर के ऊपर रखने वाली गोल गोल चीज होती है, ठीक है, सर के ऊपर, ठीक है, पानी को कैरी करने के लिए क्या बोलेंगे इसको, गोल चीज, ठीक है, जो मटके के नीचे रखी जाती है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ अभी इसको, ठीक है, मटके के नीचे रखी जाती है, किस चीज की बनी हुई होती है, जूट की, ठीक है, कॉटन की, कॉटन यानी कपास की, या फिर कोकोनट यानी नारियल की जो छाल होती है उसकी ये बनी हुई होती है। तो ये महिलाएं गाना कब गाती है, जब वो पानी भरने जाती होती है, ठीक है, पानी भरते जाते वक्त ये गाना गाया जाता है, पानी भरने जा रही होती है तब इस गाने को गाती हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलती हैं, मारी सवा लाखरी रूम गम गई रे इंडोनी, ठीक है, तो गुम जाती है कई बार इंडोनी, जैसे कान्हा चुरा के ले गए, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो वो सवा लाखरी रूम बोल रही है, उसको सवा लाख की है, गुम गई रे इंडोनी, ऐसे। तो ये लोकगीत हो गया इंडोनी। इसके बाद है मोरिया, तो मोरिया में तो मन की व्यथा जैसे चिरमी लोकगीत था वैसे था, ठीक है, लड़की की मन की व्यथा बता रहे हैं, ठीक है, लड़की की यानी टिया की मन की व्यथा, ठीक है, को बताता है, मन की व्यथा को बताता है, जिसकी शादी तो वो क्या बोलते हैं उसको, सगाई, एंगेजमेंट तो हो गई है, सगाई तो हो गई, ठीक है, लेकिन अभी शादी में देरी है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, शादी में देरी है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मोरिया कौन सा लोकगीत गाया जाता है, मोरिया लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद शादी हो गई, तो वहां पे जाके देखती है लवी के कारनामे कर क्या रहा है, ये जीरो, जीरे की खेती हो रहा है, तो ये महिला गाना गाती है, जीरे की खेती मत बो, इसमें कुछ फायदा वायदा होना भी नहीं है। तो ग्रामीण महिलाएं, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है, जिसमें वो अपने पति को कह रही हैं जीरे की खेती नहीं बोनी, जीरे की खेती बोने से मना करती हैं, जीरे की खेती करने से मना करती हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, मना करती हैं, ठीक है। तो क्या कह रही है, यो जीरो जीवरो बैरी रे, यो जीरो जीवरो बैरी रे, मत बो मारा मारा परण्या जीरो, ठीक है। तो वो ये कह रही है, ये जो जीरा है ना, ये बैरी है, दुश्मन है मेरा, इसको मत वो समझा रही है, उसको पता नहीं समझेगा या नहीं समझेगा, ठीक है। उसके बाद केसरिया बालम, तो पहले भी किया था, रजवाड़ी गाना है, राजपूतों का गाना है, ठीक है, केसरिया बालम, ठीक है, रजवाड़ी लोकगीत है, और ये जो है सेपरेशन को दिखाता है, रजवाड़ी राजपूती लोकगीत है, राजपूत लोकगीत है, ठीक है, जिसमें महिला जो है अपने हस्बैंड का, रानी महारानी, ठीक है, अपने पति के इंतजार में गाती है, ठीक है, अपने पति के वियोग में उसके इंतजार में इस लोकगीत को गाती है, ठीक है, इंतजार बोल लो, वियोग बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, इंतजार में, वियोग में गाती है। तो याद हो गए महिलाओं वाले, पनिहारी, इंडोनी किया, जीरो किया, केसरिया बालम किया और मोरिया किया, ठीक है, हो तो गए होंगे, ठीक है। अब जो मिक्स्ड है, मतलब कुछ एक एक खास पर्पज है उस पे गाए जाते हैं, ठीक है, तो मिश्रित लोकगीत, जो किसी एक कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल सकते लोकगीत, ठीक है। तो लोकगीत है कामण, लोकगीत है कामण। अब जो लवी के जो घर के हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, शादी हो रही है इसकी, ठीक है, तो कह रहे हैं हमारे जो लवी है, कई बार ये बहुत होता है कि ना,
टिया के घर वाले इसको बहका नहीं लें, कोई काला वाला जादू नहीं कर दे, ये हमें छोड़ के नहीं चला जाए, जैसलमेर भरतपुर में ही ना रहने लग जाए, ऐसा कुछ भी दिमाग में आ सकते, तो वो क्या करते, कामन लोकगीत गाते कि मारा जो छोरा है वो मारे हमारे पास ही रहना चाहिए, और कटे ना जाइयो, ठीक है। तो कामन लोकगीत गाया जाता है दुल्हे को काला जादू से बचाने के लिए। कामन याद रखो, काम क्रोध मोह, काला जादू से बचाने के लिए, ऐसे याद रखो, काला जादू से बचाने के लिए। हो गया, कामण में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतना आसान सा तो है। लाइक किया या नहीं किया, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, 9 बजे टेस्ट में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कौन सा कोड लगा के आओगे, MRP10, ठीक है, और प्लस से भी जुड़ जाओ, इतना बहुत सिंपल है प्लस से जुड़ना, बताऊंगी कैसे, ठीक है। उसके बाद है कलाली, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कलाली ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें याद कर लो, बाजीराव मस्तानी का गाना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही याद किया, कलाली मल्हारी, मल्हारी कौन सा गाना था वो, मुझे गाना वाना नहीं आता, ठीक है, बस याद कर लो। तो ये कैसा सॉन्ग है, वीर रस सॉन्ग है, वीर रस प्रधान, जैसे हमारे साहित्य वीर रस प्रधान है उसी तरह से लोकगीत भी है, जिसमें राजा महाराजाओं की वीरता के किस्से लिखे जाते हैं। तो ये कैसा सॉन्ग है, ये वीर रस प्रधान लोकगीत है, वीर, अभी तक देख रहे हो, अभी सारी लव स्टोरी ही चल रही थी, अभी आया है वीर रस प्रधान लोकगीत। तो एक ही लोकगीत हमने किया है, वीर रस लोकगीत, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, कलाली भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद है भक्ति के ऊपर बेस्ड, भक्ति के ऊपर एक तो पहले कर लिया था हमने, रसिया लोकगीत भक्ति का है, किसके रस में डूबे हैं हमारे सवाई माधोपुर के लोग, भरतपुर के लोग, कठे, ठीक है, माधव के रस में, तो ब्रजभूमि के, तो ब्रज में गाया जाता है, भरतपुर में गाया जाता है, ठीक है, इधर इस वाले इलाके में ये गाया जाता है। और हरजस जो है हरि की भक्ति में, भक्ति का लोकगीत है हरजस। तो भक्ति के दो लोकगीत हो गए, हरजस हरि के रस में और दूसरा है रसिया, ठीक है, ऐसे याद करो, हरि के रस में हरजस और रसिया। हरजस जो लोकगीत है ये महिलाएं गाती हैं, ये महिलाएं द्वारा गाया जाता है, रसिया कोई भी गा सकता है, ब्रज भरतपुर और धौलपुर, ये मैंने बताई दिया आपको, ब्रज भरतपुर और धौलपुर, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, 50 लाइव लर्नर्स चाहिए मुझे इस यूट्यूब सेशन में, 100 चाहिए और फिर 1000 चाहिए, आप लोग भूल जाते हो शेयर करना, वीडियो देखने लग जाते हो, इतना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, इतना खो जाते हो मेरी पढ़ाई में, शेयर नहीं करते हो फिर, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, करो शेयर, करो शेयर, ठीक है। तो ये जो है हरजस जो लोकगीत है ये सगुण भक्ति का मुख्यतः है, ठीक है, मुख्यतः कौन सा है, सगुण भक्ति का में ये गाया जाता है, ठीक है। तो सगुण है तो मतलब कौन से भगवान की पूजा की जाती है, राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्णा के ऊपर ज़्यादा बने हुए हैं, कृष्ण तो हमें पता ही है हमारी मीराबाई के, तो राम और कृष्ण, हरजस रसिया हो गया, ठीक है, और रह गए या खत्म हो गए, फाइनली खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो खुश हो जाओ आप सब लोग। ये मेरा प्रोफाइल है, RAS एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, सिलेबस पूरा करो, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो MCQs या आंसर गाइडेंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, तो मैं हूं ना, किस लिए हूं मैं यहां पे, आपको गाइडेंस देने के लिए। तो बिंदास मेरे प्लस कोर्सेज से जुड़ जाओ, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, कोड MRP10 लगाना, अब मैंने MRP10 कर दिया, ठीक है, तरुणा लाइव नहीं, क्योंकि अब मारो राजस्थान बन गया है, पहले नहीं था, जब से बना है मैंने कोड बदलवा लिया है, MRP10, ठीक है, तो ये लगाओ, और ये तो रहने दो, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ये सारे प्राइस लिस्ट है, मैंने बताया ही, रीट के लिए 3 महीने का सेलेक्ट करना और RAS के लिए 2 साल का। दूसरे वाली स्लाइड लेते हैं इसके लिए, रुको, हाँ, इंक नोटेशन रखनी है भाई, अब मैं डिलीट नहीं करती हूँ, याद रहने लग गया मुझे, ठीक है, हाँ, तो प्लस से जुड़ जाओ। कॉलेज लेक्चरर का बैच दिखाती हूँ जो आ रहा है आपको, स्मार्ट बनो, आपका टाइम एंड मनी दोनों सेव होगा। कॉलेज लेक्चरर का कोर्स कितने का है, 3000 रुपये का, 1000 रुपये महीना, कितना तो सस्ता है। और जो 2 साल के लिए RAS का लोगे उसका तो बहुत ही आसानी, 300-350 रुपये महीना, एक पिज्ज़ा खाया उसमें RAS की कोचिंग मिल रही है, सोच के देखो, एक मोबाइल रिचार्ज किया उसमें RAS की कोचिंग मिल रही है, प्री मेंस इंटरव्यू टेस्ट सीरीज सब तो मिल रहा है, और कहीं क्यों जाना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉलेज लेक्चरर का युक्ति कोर्स आ रहा है, इसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी करा रहे हैं, नया बैच है, MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रीट वाले बच्चे,
और जो है कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे, आरएएस वाले बच्चे 2 साल का। आपको यहाँ पे कोर्स के अलग अलग पैसे नहीं भरने हैं, सीधा आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप 3 महीने का कॉलेज लेक्चरर का देखते हो, मतलब ये आरपीएससी का प्लस ज्वाइन करते हो, तो आपको ऐसा नहीं कि आप आरएएस का नहीं देख पाओगे, वो भी देख पाओगे, ऑल इन वन ऑफर है, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, MRP10 कोड लगा देना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। आरएएस के कोर्सेज दिखा देती हूँ, एस्पायर आरएएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में मैं राजस्थान पॉलिटी करवा रही हूँ अभी, ठीक है। ये रीट के भी कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज के लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं भरने, चाहे पटवारी हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, सबके कोर्सेज चल रहे हैं। आप बस प्लान चूज करो कौन सा लेना है, उसमें आप सब देख पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, रीट कॉलेज लेक्चरर एसआई वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का, आरएएस वाले 2 साल का, MRP10 कोड लगाओ ताकि आपकी तैयारी सिस्टमेटिक हो, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बर्डन हो, जो पढ़ाई का बर्डन है वो मेरे ऊपर डाल दो, हम हैं आपकी पढ़ाई को सिंप्लीफाई करने के लिए, यही काम है हमारा। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हर कैटेगरी में कोड लगाया जा सकता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर है हमारा, कांटेक्ट नंबर दे रही हूँ, कुछ बात पूछनी हो फोन कर सकते हो, हिचका मत करो, पूछ लिया करो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, ठीक है। कल जो है 8 बजे, कल संडे है ना, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, तो कल प्रतिबद्ध सीरीज का पार्ट तो नहीं आएगा, अगर मुझे टाइम मिला तो लर्न विद ट्रिक्स करते हैं, कल मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और मारवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो मैं प्लान कर रही हूँ आज कुछ ना कुछ लर्न विद ट्रिक्स बना दूँ, राजस्थान का मैप करेंगे या इंडिया या वर्ल्ड का, ठीक है। और मोस्टली मैं राजस्थान का कराऊंगी क्योंकि मुझे मारवाड़ी में पढ़ाने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मारवाड़ी में नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो कल 8 बजे स्टे ट्यून्ड रहना, वीडियो तो आएगा, मेरी पूरी कोशिश है वीडियो में डाल दूँ, ठीक है। और हाँ, पर प्रतिबद्ध का नहीं आएगा, दूसरा आएगा, कल मजे करेंगे, संडे है थोड़ा सा, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और बस पढ़ो, आप खुश रहो, इंजॉय करो अपना वीकेंड। 9 बजे मिलते हैं, चाय कॉफी स्नैक्स लेके आ जाओ, टेस्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, MRP10 कोड लगा के, ठीक है। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।